हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। रिसेंटली सेम मोबाइल ने अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट किया था ओरिजिनल गैलेक्सी जे सेवन के लिए, और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो जे सेवन 2015 है उसको एंड्रॉयड नोगट के साथ में वाईफाई अलियंस का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप में से किसी एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी, और जब मैंने वहाँ पर जाके चेक किया तो मुझे पता चला कि जो टेस्टिंग है वो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है और अपडेट भी जल्द ही सैमसंग जे सेवन के लिए आने वाली है। तो मैं भी आप सभी की तरह बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन बाद में क्योंकि मैंने जब स्मार्टफोन का मॉडल नंबर देखा तो मुझे पता चला कि मॉडल नंबर थोड़ा सा अलग था अपने वाले जे सेवन से। मॉडल नंबर था J700T, जबकि अपने वाले जे सेवन का मॉडल नंबर है J700F। लेकिन इससे कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी और कंट्री में जे सेवन को अपडेट मिल रही है तो हमें भी मिलेगी। और फिर क्या हुआ कि यार मैंने और कुछ उसके बारे में जानना चाहिए कि ये स्मार्टफोन कहाँ से है, तो मुझे पता चला कि जो ये स्मार्टफोन है वो US में लॉन्च हुआ था टी मोबाइल की तरफ से, जो कि वहाँ का एक कैरियर है। तो फिर मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक की, और जो चीज़ें मुझे मिली उन सभी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, और उन सभी का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक की तो मुझे पता चला कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन लगभग अपने जे सेवन की तरह ही है। वहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है एक्सिनोस का 7580, जो कि सेम प्रोसेसर अपने वाले स्मार्टफोन में भी है। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मन में डाउट पैदा करती है अपडेट को लेकर। तो मैंने वहाँ पे जब चेक किया तो मुझे पता चला कि जो अपना वाला J7 इसमें रैम है 1.5 GB की, जबकि वहाँ पे आपको मिलती है 2 GB रैम, यानी कि वहाँ पे उस स्मार्टफोन में 2 GB रैम है। और लेकिन इससे भी इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सैमसंग ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपके स्मार्टफोन में 1.5 GB रैम है तो हम आपको एंड्रॉयड नोगेट की अपडेट दे सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने और चीज़ें चेक की तो मुझे पता चला कि जो वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो वो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड के वर्जन 6.0.1 के साथ में, जबकि अपना वाला जो J7 है वो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड के वर्जन 5.1.1 के साथ में। उसके बाद में हमें एक मेजर OS अपग्रेड मिल चुकी है जो कि थी मार्शमेलो की, और उस स्मार्टफोन को पहली मेजर OS अपग्रेड मिल रही है और उसको टेस्ट किया जा रहा है नोगेट के साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डाउटफुल है, लेकिन यार अभी अपन को वेट करना होगा, क्योंकि उस स्मार्टफोन के बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि अपने वाले J7 के लिए टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो सेम मोबाइल है वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, वो सभी कंट्रीज़ के लिए जो स्मार्टफोन है उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, लेकिन हमें अभी वेट करना होगा, क्योंकि यार सैमसंग है वो अपने स्मार्टफोन जो ये मिड रेंज वाले होते हैं उनको एक मेजर OS तो अपग्रेड पक्का देता है, लेकिन दूसरी का इतना अपन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। ए सीरीज 2016 को मिल चुकी है हालांकि, लेकिन सभी के लिए ऐसा कन्फर्म नहीं कर सकते अपन, तो हमें वेट करना होगा। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको वीडियो तो क्या पसंद आएगी, आपकी जो खुशी थी वो मैंने खत्म कर दी है, लेकिन क्या करूँ यार, इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे।